ट्रांसफार्मर को ठीक करने के मामले में बुलंदशहर का अव्वल आना ही लखनऊ के अधिकारियों को खटक रहा है। जांच हुई तो काफी नई जानकारियां हाथ लगी हैं। बताया जाता है कि गांव और कस्बों में ट्रांसफार्मर के जलने की सूचना देने के बाद उनके स्थान पर प्राइवेट कंपनियों में लगे ट्रांसफार्मर को ठीक कर उनके बिलों को भुगतान के लिए लाया जाता है तथा उन ट्रांसफार्मरों को वर्कशॉप में लाने के बाद उनका बिल भी भुगतान किया जाता है। बताया जाता है कि बिजली निगम के अनुसार अनुमान के मुताबिक साल में करीब 8 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया जाता है। जांच में पता लगा कि लगभग 60 KVA से अधिक के लगभग 450 ट्रांसफार्मरों की प्रतिमा मरम्मत की जाती है। इसके बाद ट्रांसफार्मर की मरम्मत के मामले में बुलंदशहर प्रदेश में शीर्षक नंबर पर पहुंच गया। शक होने पर चेयरमैन एम देवराज ने चीफ इंजीनियर की जांच के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर के ठीक करने के मामले को लेकर आज हम अभी खड़े हूँ विनोद कुमार मिश्रा जी जो यहाँ पर चीफ इंजीनियर है उनसे जानकारी लेते हैं क्या रहा है पूरा का पूरा मामला और क्या कार्रवाई की गई है या क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी देखिए मैं पहले आप बता दूं कि यहाँ पर बुलंदशहर जनपद में जिस तरह के पेपर का जो जा रहा है बिल्कुल मनगढ़ंत है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे द्वारा पिछले बार इंस्पेक्शन किया गया और वहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर किसी तरह की कमी ना हो ट्रांसफार्मर की, उपभोक्ताओं का जो निश्चित समय सीमा है उसके अंदर ही उनको दिया जाए। और मेन हमारी समस्या थी साइट पे चेकिंग की, तो मैंने अब ये कह दिया कि बिना इंस्पेक्शन के जो अगर डैमेज होता है तो वहाँ हम और अंदर जाएंगे और वहाँ डैमेज की सतर्कता के कारण की जांच करेंगे और जितने भी प्रोटेक्शन डिवाइसेज हैं ट्रांसफार्मर रुकने के लिए वहाँ प्रोटेक्शन डिवाइसेज लगाएंगे, जिसमें STFU का है, इसमें कि अर्थिंग होनी चाहिए प्रॉपर और ओवरलोडिंग देखेंगे। ठीक है, मैं किसान भाइयों से अपील करूँगा कि जो लोड के अनुसार ही चलाए। अभी बात सामने आ रही है कि लोड अधिक लोड चला रहे हैं जिससे कि ट्रांसफार्मर की फूटने की शिकायत अधिक है और ये भी कोशिश की जा रही है कि अगर वहाँ सत्य है लोड ज़्यादा है तो लोड ज़्यादा जो इंगेजिंग कैपेसिटी आफ्टर जो वेरिफिकेशन के बाद हम उसको कराने जा रहे हैं।